हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे को काफ़ी बिगिनर्स लोग ने पूछा है कि कैसे हम लोग हेजिंग करते हैं विथ लेस अमाउंट एंड मतलब जहाँ पे रिस्क लेवल भी कम होना चाहिए, और आप ट्रेड करो तो एक्सपायरी में ट्रेड करें, ना कि मंथली वाला एक्सपायरी में। लोग आप प्रिफर कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी का, उसमें क्या होता है कि अगर आप जब भी अभी एक एग्ज़ाम्पल देखिए कि स्पॉट प्राइस आपको 14,634 चल रहा है, ठीक है, तो आप 6 मई की एक्सपायरी जो निफ्टी की है वो आप कर सकते हैं ऐट द मनी के कॉल ऑप्शन को। तो लोग प्रिफर करते हैं ये ट्रेड करना, मतलब आप क्लोज जो रहता है उसको आप सेल कर सकते हैं दोनों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। 14,600 एंड 14,600 का पुट ऑप्शन आप साइमल्टेनियसली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 14,400 के पुट को बाई करिए और 14,800 का कॉल ऑप्शन को बाई करिए। तो आप 200 पॉइंट के डिफरेंस में बाई कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखाएगा क्योंकि जो रेंज है वो थोड़ा सा आपको कम दिखाएगा, बट मैंने 150 पॉइंट ऊपर नीचे रखा है, जिसमें यहाँ पे अगर आप नीचे का ट्रेंड देखोगे तो 200 पॉइंट के करीब आ रहा है, ऊपर का ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। तो आपको मार्जिन सिर्फ 65,000 पे करना है, और अगर निफ्टी ये दोनों के बीच में बंद हो जाता है, एक एग्ज़ाम्पल ले लो ऑलमोस्ट 14,600 या ये रेंज में बंद होता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी अच्छी है, मतलब 10,000 या 11,000 के करीब आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क भी कम है, जब भी आपको लगता है कि आउट ऑफ द वे निफ्टी जा रहा है तो आप वो टाइम पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं गाइस। तो ये जो वीडियोस होते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, आप एग्रेसिव ट्रेडिंग इसमें नहीं करना गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच।